अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई डॉक्टर मोहम्मद अकरम, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आज मैं जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो अमोनिया के लेवल के बारे में है, जो कि ब्लड के अंदर होता है। अमोनिया का नॉर्मल लेवल 11 से 32 माइक्रोमोल पर लीटर होता है। अगर ये लेवल इंक्रीज करता जाए तो एक स्टेज ऐसी आती है जिस पर टॉक्सिक सिम्टम्स आते हैं, यानी कि अमोनिया टॉक्सिक हो जाता है या टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स देता है। अब हमने डिस्कस करना है कि अमोनिया का लेवल क्यों ज़्यादा हो जाता है। एक वजह तो ये है कि अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होता, वो इस लिहाज से है के पांच एंजाइम होते हैं अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के। उनमें से कोई एक भी डेफिशिएंट होगा तो अमोनिया लेवल बढ़ेगा। इसको इनहेरिटेड हाइपर अमोनीमिया कहते हैं। और दूसरी टाइप जो है उसको एक्वायर्ड कहते हैं। क्योंकि ये सारा प्रोसेस लीवर के अंदर हो रहा होता है तो इसको एक्वायर्ड कहते हैं, क्योंकि लीवर में प्रॉब्लम है और ये पैदाइश के आमतौर पर बाद में होता है, जैसा कि सिरोसिस के मरीजों को या लीवर फेलियर के अंदर। तो अगर लीवर का प्रॉब्लम होगा तो एक्वायर्ड कहेंगे, अगर एंजाइम का प्रॉब्लम होगा तो इनहेरिटेड कहेंगे। तो ये दो टाइप बेसिकली है जिसकी वजह से अमोनिया लेवल जो है वो बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।